नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोबाइल कवर के पीछे अपना कोई भी फोटोज है ये लगा सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं कि कुछ लोगों के पास अपना मोबाइल होता है तो उन कवर के पीछे जो होता है उनका फोटोज लगा हुआ होता है, और वो आप घर पे कैसे जो आप इसको इसके पीछे प्रिंटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं आज आपको एकदम रियल और सच बताने वाला हूँ कि जो आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं जो ऐसा प्रिंटिंग कवर होता है जिसके पीछे आप क्या घर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एकदम रियल और हकीकत जानकारी बताने वाला हूँ कि ये कितना जो पॉसिबल है और कितना इम्पॉसिबल है जो आप घर पे कर सकते हैं। तो देखिए, मोबाइल कवर के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को तीन प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि भाई जो मोबाइल का कवर होता है, जो हम खरीदते हैं इस कवर को, जिस टाइम खरीदते हैं उस टाइम ये वाइट होता है। आप सब जानते हैं कि जिस टाइम हम इस कवर को खरीद लेते हैं उस टाइम तो ये कवर वाइट होता है, और जस्ट 2 मंथ या 3 मंथ के बाद ये जो होता है ऐसा पड़ जाता है। मेरे पास जो वाइट किया हुआ कवर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो पीला पड़ जाता है ये मोस्टली 2 महीने के बाद पड़ जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो कवर है पीला क्यों पड़ जाता है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और जस्ट आप इसको घर पे ठीक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपको देखनी है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप वो वीडियो कैसे देख सकते हैं। पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो मोबाइल कवर के पीछे प्रिंटिंग है, जो आप फोटोज है वो आप घर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे क्या हकीकत है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार आप घर पे बैठे रहते हैं या बोर होते हैं, तब आपके मन में ये ज़रूर आइडिया आता होगा कि आपके कवर को देखने के बाद कि यार मोबाइल कवर के पीछे जो मैं अपना प्रिंटिंग है वो कर लूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो जब आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और यूट्यूब पे आने के बाद आप सर्च करते हैं कि हाउ टू प्रिंटिंग मोबाइल बैक कवर, और आपके सामने हजारों वीडियोज आ जाती है 10-10 मिनट 15-15 मिनट की, और आप वो वीडियोस देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप ट्राई करते हैं जैसा कि वो वीडियोस में बताता है उसकी तरह आप भी घर पे ट्राई करते हैं। एक प्रेस लेते हैं, एक फोटोज लेते हैं, मोबाइल का कवर लेते हैं, पानी लेते हैं और सब लेके ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद आप देखते हैं कि आपका जो कवर था उसके पीछे तो चिपका ही नहीं। अब क्यों नहीं चिपका ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और आपने जब वो वीडियो देखी तो उसमें तो वो भाई बता रहा था कि यह कवर हो रहा है, उसने करके दिखाया, और आप घर पे कर रहे हैं तो आप सेम टू सेम आप वैसा का वैसा कर रहे हैं, पर आपसे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। देखिए, जो आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं मोबाइल बैक और प्रिंटिंग कवर की, वो एक तरह की फेक वीडियोस होती है। जस्ट आप उस वीडियो पे गौर कीजिए, लाइक से ज़्यादा मोस्टली उस वीडियो पर डिसलाइक होंगे, और उस वीडियो का कमेंट सेक्शन जाके देखिए, सबके कमेंट सेक्शन ब्लॉक है, क्योंकि उन लोगों ने सही बताया ही नहीं है। वो जिस टाइम आपको बताते हैं उस टाइम एक कवर खुद वो ऐसा ही रखते हैं और दूसरा कवर वैसा सेम टू सेम उसी फोटो का, वो 3D मशीन होती है जो प्रिंटिंग की हुई होती है उससे किया हुआ दूसरा रखते हैं, और जस्ट मोबाइल का कैमरा ऑफ करके वो दिखा देते हैं पानी से निकालते वक्त, ये देखिए प्रिंटिंग हो गया। तो यार ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अगर आपको प्रिंटिंग मोबाइल के पीछे आपका फोटोज कराना है तो आप शॉप पे जाइए, मैं आपको मशीन बता देता हूँ, आप इस मशीन को प्रचारित करके आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ये देखिए साइड में जो मशीन दिख रही है, इस मशीन को आप प्रिंटिंग कर सकते हैं घर पे। ये एक मशीन है जिससे आप 3D वॉलपेपर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। बाकी जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो एक तरह के फेक वीडियो है। तो जो मोबाइल का पीले कवर होता है वो एकदम जो है आप घर पे कर सकते हैं। वो वाली वीडियो देखनी है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पर यार जो प्रिंटिंग वाली होती है ये सब फेक है, तो आप इन चक्करों में नहीं पड़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर लेना यार। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।